अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अच्छा, उस दिन हम लोग आए थे दोस्तों के साथ। आज हमारा फैमिली का प्लान बना के, क्योंकि मतलब ट्राई नहीं किया हुआ था, तो अभी इन लोगों के साथ हम लोग ट्राई करते हैं। और बस मैंने उस दिन आपको इसकी सारी लोकेशन वगैरह समझाई थी। कलागंग रोड पे है ये, किसके सामने है? नर्सरी चकवाल नर्सरी के सामने है, मतलब बागवान नर्सरी को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया होटल में। और बस अभी हम लोग, इसका ये है कि आज भी हम लोग ऐसे खाने के टाइम पे तो नहीं आए, चाय के टाइम पे आए हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इनका बारबेक्यू वगैरह ट्राई करेंगे। ये सामने इनका ओपन किचन है और ये जो जगह है यहाँ पे ये बारबेक्यू वगैरह करते हैं। अभी हम लोग इनका, वो सामने काउंटर है, ये इन्होंने डेकोर के लिए कुछ चीज़ें रखी हुई हैं ऐसे। अभी हम लोग ऑर्डर वगैरह करते हैं, मेन्यू कार्ड में दोबारा चेक करती हूँ, फिर अंदर जाके आपको इनकी मेन एंट्री दिखाते हैं जो इन्होंने अंदर रखी हुई है, एडजस्ट की हुई है। आज हम अंदर देख लेते हैं। अभी बस हम अंदर जा रहे हैं, वो शायद इन्होंने, उस दिन हम लोग आए थे तो आज वैसे सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, चकवाल में बारिश हुई है और धुंध भी बहुत बनी हुई है और सर्दी भी बहुत है। तो ये इनकी एंट्री, उस दिन लाइट वगैरह नहीं ऑन थी। अच्छा, उस दिन हमारी प्रेफरेंसेस थी कि हम लोग बाहर बैठेंगे, लेकिन आज क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और बाहर वो इन्होंने ऐसे बारिश भी हो रही है, तो हम लोगों ने आज प्रेफर किया है कि हम लोग अंदर ही बैठेंगे। अच्छा, अभी हम लोग अंदर आ गए हैं। वो जो साइड है वहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे फैमिलीज वगैरह की जगह है, शदीद सर्दी जिसे कहते हैं ना, तो चकवाल मतलब आज वो ही हुई है। आज वैसे यहाँ पे, उस दिन शायद ये था कि थोड़ी गर्मी थी तो सफोकेशन थी, आई है कि मौसम यहाँ पे काफ़ी अच्छा, और बाहर भी ये है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे नमी नमी है। अच्छा, अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है एक बटेर टिक्का और ग्रिल फिश ऑर्डर किया हमने 1 kg, और इसमें से हम लोगों ने बीफ कबाब किए हैं और गार्लिक नान यहाँ पे हैं। पिछली दफ़ा हम आए थे तो हमें सबसे अच्छे वैसे इनके गार्लिक नान लगे थे, तो हमने 3 इनके गार्लिक नान किए हैं। और सर्विंग टाइम कितना कह रहे थे? 25। हाँ, 25 मिनट लगेंगे। तो बस अभी आता है तो ट्राई करते हैं। उस दिन हम लोगों ने किए थे चिकन कबाब, वो अच्छे थे, लेकिन आज घर वालों के साथ हैं तो मेरी अम्मी बीफ को प्रेफर करती हैं, सीख कबाब में सिर्फ। तो ठीक है, अभी वेट करते हैं हम लोग। ये सिर्फ सीजन के होते हैं ये वाले, फिर इनके इतने यहाँ बीज बनते हैं ना यहाँ पे, ये फिर इनके बीज आप दोबारा भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये वैसे हैं प्यारे। ये अभी हम लोग नर्सरी में कुछ पौधे वगैरह देखने जा रहे हैं, इनका ये एरिया वैसे सबसे अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, ये इनकी अभी नर्सरी भी बिल्कुल साथ। ये देखो नाम कहाँ पे, याम नाम क्या ना, देख कितने बड़े हैं, इनसे पूछे बड़े वाला पूछे। आप इधर होते हैं बच्चे भाई? तो ये इनकी नर्सरी अभी मतलब बिल्कुल साथ ही चल रही है। टन टन टन, काफी वैरायटी है। ये मेरी दो दोस्त हैं, यकीनन वो वीडियो देखेंगी तो इन्हीं की तरह बिफर जाएंगी। वो क्या कहते हैं, ये आपके नाम है। अच्छा, बस अभी हम नर्सरी से हो आए हैं और दोबारा हम लोग, ऑर्डर हमारा तैयार हो रहा है, अभी हम दोबारा वहाँ पे जा रहे हैं। हो गई हैं और ये क्योंकि सर्दी है तो ये लोग आग वगैरह लगा रहे हैं।
इतनी सर्दी हुई हुई है यार, मेरी बहन पागल हो गई है क्योंकि इनके मुंह से धुआं बहुत धुआं हो रहा है। हालांकि टाइम भी इतना नहीं हुआ, छः भी बल्कि अभी क्या टाइम हुआ, साढ़े सात नहीं साढ़े पाँच हुए अभी, लेकिन स्टिल आज बहुत ज़्यादा यहाँ पे शायद आपको नज़र आ रही हो बाहर बारिश भी हो रही है। चाहिए हमारा खाना आगे, इनकी चाय उस दिन हमें सबसे अच्छी लगी थी। ग्रिल फिश है हमारी, ये हमारे गार्लिक नान है, और ये हमारे बीफ कबाब है, और साथ हमारे टिक्का है। है और अब जैसे रिव्यू की बारी है, सबसे अच्छा क्या था यहाँ का? बटेरा। मैं समझती हूँ ना कि जो जिसको पसंद है हाँ उसके हिसाब से और अच्छा अच्छा हमारे घर एक है कि फिश हमारे घर की ज्यादा अच्छी। हाँ फिश ठीक थी, मतलब अच्छी थी, मतलब ये नहीं कि आप नहीं खाएं, आप आए जरूर आके यहाँ पे खाएं, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे लगी है, यहाँ पे बीफ कबाब लगे हैं, बीफ सीख कबाब, और जो मछली थी वो ठीक थी, मतलब इस मौसम में ट्राई आप ज़रूर कर सकते हैं, और नान भी ठीक थे। लास्ट टाइम आए थे तो वो ज़्यादा वैसे फ्रेश थे, आज ये था कि मौसम ऐसा शायद हुआ हुआ है। और दूसरा ये कि बटेर कैसे लगे हैं तुम्हें? बहुत मज़े के, क्योंकि हमारे घर में एक ये ही वायद है जिनको बटेर बहुत ज़्यादा पसंद है, बस इसने अप्रूव किए हैं तो यकीनन अच्छे होंगे। तुम्हें क्या अच्छा लगा? तुम तो रहने दो, नहीं भाई बस बिल दे दें। और बस चाय कैसी थी? चाय बहुत अच्छी थी, मुझे वैसे सबसे अच्छी लास्ट टाइम भी जब मैं दोस्तों के साथ आई हूँ, मुझे इनकी चाय बहुत अच्छी लगी है। और हम चाय लवर भी हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहा है। अभी बिल आता है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि कितना बिल है। अच्छा अभी हमारा बिल आ गया है और आखिरी टाइम पे डेमो फिर बच्चे बैठ जाएंगे। तो ये हमारा बिल बना है, ग्रिल फिश 1100, बटेर टिक्का के, बीफ कबाब के, और गार्लिक नान, ये सारा मिला के ओवरऑल 2550। ठीक बिल बना है, मतलब जितना इतना ही होता है आम रूटीन में, तो एक्सपेंसिव नहीं है, जितनी इनकी सर्विंग उस लिहाज से मतलब वर्थी है। ठीक है बस ये हमारा, हाँ ये हमारा बिल हो गया है। और बस दिन काफ़ी अच्छा था, प्रोडक्टिव रहा है, मतलब आप ओवरऑल मिला के जगह अच्छी है, आप मतलब यहाँ पर मस्ट ट्राई करें। और आज का व्लॉग हम अपना ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।